तो साथियों, ये है क्रॉनिकल प्लेस की डेफिनेशन। अ टाइप ऑफ ड्रामा विद अ थीम फ्रॉम हिस्ट्री कंसिस्टिंग मेनली ऑफ लूजली कनेक्टेड एपिसोड्स क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड। ठीक है, तो जो क्रॉनिकल प्लेस होते थे उसमें मेनली जो है हमारा फोकस फिर भी किस पर होता था? हमारा मेन फोकस होता था, मेन फोकस वाज ऑन द प्राइवेट लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल किंग्स। जो इंडिविजुअल किंग्स होते थे उनकी प्राइवेट लाइव्स पे मेन फोकस रहता था। ठीक है ना? एंड दे वर मेनली पॉपुलर इन एलिजाबेथन एज। दे वर मेनली पॉपुलर इन एलिजाबेथन एज। ठीक है, एज पीपल वॉन्टेड और डिमांडेड, एज पीपल डिमांडेड फॉर सच प्लेस डीलिंग विद, एज पीपल वॉन्टेड या डिमांडेड फॉर सच प्लेस डीलिंग विद इंग्लिश हिस्ट्री, डीलिंग विद इंग्लिश हिस्ट्री। ठीक है, सो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे, एलिजाबेथन हिस्ट्री प्लेस, एलिजाबेथन हिस्ट्री प्लेस आर कॉल्ड एज क्रॉनिकल प्लेस। एलिजाबेथन हिस्ट्री प्लेस को क्या कहा गया है? क्रॉनिकल प्लेस कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हिस्ट्री प्लेस हम यूज करते हैं कोई भी ऐसा प्ले जो कि हिस्टोरिकल जो है क्रोनोलॉजिकल अरेंज्ड हिस्ट्री को दिखाता है, बट एलिजाबेथन हिस्ट्री प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? उनके लिए स्पेशली हम ये वर्ड यूज करते हैं, क्रॉनिकल प्लेस। ठीक है, यहां तक का सब लोगों को क्लियर है? तो सारे साथी नोट करेंगे, फीचर्स में स्टेज बैटल्स होंगे, पेजेंट्री, पेजेंट्री का मतलब हम लोग कहते हैं हिंदी में झांकी। ठीक है, आपने देखा था मिस्ट्री मिरेकल प्लेस में बताया था ये वर्ड पेजेंट्री। ठीक है, ब्यूटी पेजेंट्स भी हम कहते हैं, जो ब्यूटी जो हमारे मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें भी, तो एक तरीके से झांकी जैसा, प्रोसेशन भी कहते थे हम। वैसे प्रोसेशन ज्यादा अच्छा वर्ड जो है जुलूस के लिए यूज किया जाएगा। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल मीन्स भव्य नजारा। एरिस्टोटल अगर आपको याद हो अपने पोइटिक्स में कहते हैं कि प्लॉट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेजिडी में प्लॉट, और एरिस्टोटल के अनुसार स्पेक्टिकल जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी भी ट्रेजिडी का सबसे जो है कम महत्वपूर्ण पहलू होता है स्पेक्टिकल। मगर हम कह सकते हैं कि क्रॉनिकल प्लेज में स्पेशली एलिजाबेथन एज में स्पेक्टिकल्स का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कह सकते हैं कि रोल रहा था। ठीक है, कि क्रिस्टोफर मार्लो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है इनका, एडवर्ड टू, क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है एडवर्ड टू। ठीक है, एग्जाम्स में आया है इससे बहुत सारे। और ये प्ले क्या माना जाता है इनका? होमोसेक्सुअल प्ले माना जाता है, इसमें होमोसेक्सुअलिटी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, क्रिस्टोफर मार्लो का एडवर्ड टू। तो इट वाज मतलब क्रॉनिकल प्लेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है शेक्सपियर आल्सो रोट, शेक्सपियर ने कितने प्लेस लिखे हैं? 10 क्रॉनिकल प्लेस लिखे हैं। क्रॉनिकल प्लेस को मैं सीपी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में।
टेन क्रॉनिकल प्लेस लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम जल्दी से इनके नेम्स देख लेते हैं, शेक्सपियर के कौन कौन से प्लेस जो हैं क्रॉनिकल प्लेस में आ जाते हैं, तो एक आता है आपका किंग जॉन, ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं एडवर्ड 3। फटाफट नेम्स लिख लेंगे इनके। एडवर्ड 2 देखिए उन्होंने लिखा है, मार्लो ने। एडवर्ड 3 इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं आपका रिचर्ड 2, ठीक है। फिर उसके बाद हेनरी 4, ये दो पार्ट्स लिख लेंगे आप, दो पार्ट्स में है ये। फिर उसके बाद आएगा आपका हेनरी 5, फिर आप लिखेंगे हेनरी 6। हेनरी 6 कितने पार्ट्स में है? 3 पार्ट्स में है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे रिचर्ड 3, रिचर्ड 3, और फिर हेनरी 8। हेनरी 8 वही डिफेंडर ऑफ फेथ वाले, ठीक है। हेनरी 8 इनकम्प्लीट था, अनफिनिश्ड था। इसको किसने फिनिश किया था भाई? हेनरी 8 को किसने फिनिश किया था? कंप्लीटेड बाय फ्लेचर, ब्यूमेंटन फ्लेचर, याद है आपको? इसमें जो फ्लेचर थे उन्होंने इसको कंप्लीट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो वैसे हम कह सकते हैं कि अभी टोटल 11 हो गए। कितने हो गए? 11। तो कैसे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये तीसरे हो गए, ये 3+2 5 हो गए, 3+2 हो गया ये, ठीक है। तो 4 और 5 आ गए यहाँ पर, ये 6 हो गया, ये 6+3 इसमें आपका 7, 8 और 9 आ गए, ठीक है। उसके बाद ये 10th हो गया, और ये लास्ट का हमारा हो गया 11th, जो कि अनफिनिश्ड था। पूरी क्लास इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेगी। यहाँ पर देखना, रिचर्ड 2, हेनरी 4 के दोनों पार्ट और हेनरी 5, ब्लू रंग से बॉक्स कर रहा हूं ये, ठीक है। रिचर्ड 2, हेनरी 4 के दो पार्ट्स और हेनरी 5, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसमें हम इन प्लेस को क्या कहते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इनको कहते हैं हम हेनरी 8। हेनरी 8 टेट्रालॉजी है, टेट्रालॉजी समझ रहे हैं? 4 प्लेस एक साथ आते हैं, इनको हेनरी 8 बोलते हैं। और इसमें जो हीरो है उसका नाम क्या है? प्रिंस हॉल, ठीक है, HAL। और इसी को द फ्यूचर हेनरी 5 भी बोला गया है, द फ्यूचर हेनरी 5। हेनरी 5 है ही इन प्लेस में, तो हेनरी 8 प्लेस, ठीक है, ये नोट कर लेना। ये क्या है? टेट्रालॉजी है, टेट्रालॉजी 4 प्लेस का कनेक्टेड सीक्वेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? हेनरी 8, ठीक है, समझ में आ रही बात? हेनरी 6 के 3 पार्ट और रिचर्ड 3, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेनरी 6। यहाँ पर मैं चलिए लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, हेनरी 6 के 3 पार्ट्स, ठीक है। यू कैन राइट हेनरी 6 3 पार्ट्स प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस रिचर्ड 3, ठीक है। ये जो तीनों, ये टोटल कितने प्लेस हो गए फिर? ये भी 4 प्लेस हो गए ना। ये किस पर बेस्ड हैं? दीज प्लेस आर बेस्ड ऑन द वॉर ऑफ द रोजेस सागा। वॉर ऑफ द रोजेस की जो एक बहुत बड़ी गाथा है, सागा मीन्स गाथा, महान कथा, तो वॉर ऑफ द रोजेस की जो गाथा है उस पर बेस्ड है ये 4 प्लेस। इसमें भी आ गए 4 प्लेस यहाँ आ गए, ये हेनरी 8 नहीं है, हेनरी 8 ये वाले हैं, और ये अलग से हैं हेनरी 6 और
रिचर्ड 3, आपको याद रखना है हेनरी यार्ड में हेनरी 6 नहीं है, ठीक है। यूजेस कब से कब तक हुए थे भाई? 1455 से 1485 तक हुए थे ये। 15 सेंचुरी में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविल वॉर्स ऑफ इंग्लैंड है, जिसमें टू लॉर्ड्स या टू हाउसेस, रॉयल हाउसेस, दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। हाउस ऑफ यॉर्क्स थे और एक और था, आप लोग चेक कर लीजिएगा, वाइट रोज वर्सेस रेड रोज, ठीक है, तो वॉर ऑफ द रोजेस कहा गया है। तो उस पर आधारित हैं ये हेनरी 6 के 3 पार्ट और रिचर्ड 3 के 1 पार्ट, ठीक है। पूरा चीरफाड़ कर दिया मैंने इसमें। तो 10 जो है आपके सीपी, सीपी का मतलब क्रॉनिकल प्लेस, ये इंग्लिश हिस्ट्री पर बेस्ड है। 10 क्रॉनिकल प्लेस इंग्लिश हिस्ट्री पर बेस्ड है। और इसमें अगर हम लोग बातचीत करें, हाँ, हाउस ऑफ लैंकेस्टर, हाउस ऑफ लैंकेस्टर, हाउस ऑफ यॉर्क्स थे वॉर ऑफ द रोजेस में, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। रोमन हिस्ट्रीज में हम देखते हैं, रोमन हिस्ट्रीज में क्या हुआ था, रोमन हिस्ट्रीज में हम देखते हैं कि शेक्सपियर ने रोमन हिस्ट्रीज पर भी बेस्ड प्लेस लिखे हैं, बट वो क्रॉनिकल नहीं है, बट फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो उसमें आ जाता है आपका कोरियोलेनस, क्या आ जाता है, कोरियोलेनस। दूसरा आ जाता है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। और तीसरा आ जाता है एंटोनियन क्लियोपैट्रा, एंटोनियन क्लियोपैट्रा। ये आपके रोमन हिस्ट्री पर बेस्ड प्लेज हैं शेक्सपियर के, ये क्रॉनिकल प्लेज में नहीं आएंगे, बट हिस्ट्रीज पर बेस्ड हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा दिया मैंने। 3 प्लेज है मेनली, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर और एंटोनियन क्लियोपैट्रा। देखते हैं लास्ट पॉइंट, कौन बता रहा है कि ये सारे प्लेज कौन सी हिस्ट्री से लिए थे शेक्सपियर ने, ये सारे प्लेस कौन सी हिस्ट्री से लिए थे शेक्सपियर ने? हाँ जी, थॉमस नॉर्थ का ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ से। नहीं, ठीक है, ये रोमन प्लेस पर बात हो रही है। होलिनशेड क्रॉनिकल्स तो पूरे पूरे उन्होंने इंग्लिश प्लेस के लिए सोर्स लिया था, लेकिन जो रोमन प्लेस के लिए उन्होंने कहाँ से लिया था, थॉमस नॉर्थ ने जो ट्रांसलेशन किया था किसका, प्लूटार्क्स लाइव्स का, ठीक है, प्लूटार्क्स की लाइव्स का ट्रांसलेशन किया। नोट कर लेंगे, थॉमस नॉर्थ ने, प्लूटार्क ये एक ग्रेट ग्रीक ऑथर है और इनका वर्क है लाइव्स, कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज है, जैसे कि डॉक्टर जॉनसन का लाइव्स ऑफ द पोएट्स है, ऐसे इन्होंने खाली लाइव्स लिखा है। तो इसमें टोटल मैंने एक बार बताया था ना, 50 बायोग्राफीज हैं, 23 जो हैं बायोग्राफीज पेयर्ड हैं, नोट कर लेना, थोड़ा डिटेल जा रहा हूँ। 23 बायोग्राफीज पेयर्ड हैं और 4 बायोग्राफीज अनपेयर्ड हैं, मतलब जोड़े में नहीं है। तो 23 × 2 पेयर हो गए, तो जोड़ा हो गया, तो ये 46 हो गई प्लस 4, तो टोटल कितनी बायोग्राफीज का कलेक्शन है, ये 50 बायोग्राफीज का कलेक्शन है, ठीक है। और इसको आधार बनाते हुए, इसका ट्रांसलेशन थॉमस नॉर्थ ने किया था, इसको बेस बनाते हुए फिर रोमन हिस्ट्रीज लिखी थी। ये क्रॉनिकल प्लेस में नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी अभी मैंने क्या बताया, एक पॉइंट और मैंने ये भी बताया साथियों कि आपको, कि जितने भी हमारे इंग्लिश प्लेस हैं उनकी जो सोर्स थी वो क्या थी, मैंने बताया आपको रैफल हॉलिनशेड के क्रॉनिकल्स थी, उस पर एक विस्तृत चर्चा मेरी अभी रहेगी। लेकिन आप फिलहाल ये लिख लें कि इंग्लिश सोर्स में जो है क्रॉनिकल प्लेस का जो सोर्स था रैफल हॉलिनशेड, HOLINSHED, हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स करके कहा जाता है, वो थी। हालांकि सिर्फ हॉलिनशेड ने नहीं लिखा था उनको, उनको लिखने में चार तीन चार राइटर्स और भी इन्वॉल्व थे, उस पर एक चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे क्रॉनिकल प्लेस पार्ट टू, क्रॉनिकल प्लेस पार्ट टू, मैं लिख दे रहा हूँ क्रॉनिकल प्लेस, शॉर्ट में सीपी लिख दे रहा हूँ, पार्ट टू, ठीक है। तो देखिए साथियों, हमने
जो देखा था अभी तक, ये देखा था कि क्रॉनिकल प्लेस में जो रोमन हिस्ट्रीज थी, जैसे कोरियोलिनस, जूलियस सीजर और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये जो है हमने देखा था कि शेक्सपियर ने कहाँ से इसके लिए इंस्पिरेशन ली थी, थॉमस नॉर्थ का प्लूटार्क ऑफ लाइव्स, ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स, प्लूटार्क लाइव्स जो है प्लूटार्क का वर्क है, कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज है लाइव्स करके, वहां से इन्होंने इसके लिए इंस्पिरेशन ली थी रोमन वर्क्स के लिए। और ये इसमें 23 पेयर्ड बायोग्राफीज हैं, तो 42 बायोग्राफीज इधर हो गई, 4 अनपेयर्ड है, यानी 46 + 4 टोटल 50 बायोग्राफीज हैं थॉमस नॉर्थ के प्लूटार्क ऑफ लाइव्स में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें कि इसके अलावा शेक्सपियर ने लगभग 10 क्रॉनिकल प्लेज लिखे जो कि प्रॉपर इंग्लिश हिस्ट्री पर बेस्ड थे। तो उसमें किंग जॉन आ गया, एडवर्ड 3 आ गया, और उसके बाद फिर कल मैंने बताया था रिचर्ड 2, हेनरी 4 के 2 पार्ट और हेनरी 5। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, हेनरियाड। रिचर्ड 2, हेनरी 4 और हेनरी 5, इनको हेनरियाड कहते हैं, जिसमें प्रिंस हाल या हेल के बारे में है, जो फ्यूचर हेनरी 5 बनते हैं। टेट्रालॉजी है, क्लियर सबको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और इसके अलावा जो हेनरी 6 हैं वो 3 पार्ट्स में हैं, हेनरी 6 के 3 पार्ट्स, और रिचर्ड 2 के, सॉरी, रिचर्ड 3 और हेनरी 6 के 3 पार्ट। ठीक है, ये अलग है। ये किस पर बेस्ड है, मैंने बताया था हेनरी 6 के 3 पार्ट और रिचर्ड 3, ये किस पर बेस्ड है, याद है किसी को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसमें एक लास्ट में मैंने बताया था कि हेनरी 8 है जो कि अनफिनिश्ड है, कंप्लीटेड बाय फ्लेचर है। वेरी गुड बेटा, वॉर ऑफ रोजेस पर बेस्ड है, हेनरी 6 और रिचर्ड 3, हेनरी 6 के 3 पार्ट और रिचर्ड 3, ये किस पर बेस्ड है, वॉर ऑफ रोजेस, वॉर ऑफ रोजेस पर बेस्ड है। वॉर ऑफ रोजेस हम लोग को पता ही है, सिविल वॉर था 15 सेंचुरी में, 1455 से 1485 तक चला था वॉर ऑफ रोजेस, उस पर बेस्ड है। ठीक, तो यहाँ तक का क्लियर। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर ने टोटल क्रॉनिकल प्लेस कितने लिखे, तो 10 लिखे, एक इनकम्प्लीट था, और वैसे भी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हेनरी 8 ये बाद में लिखा था, अनफिनिश्ड भी था ये। ठीक है, लिए गए थे, लिए गए थे हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स से। थोड़ा सा देखते हैं, आइए हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स पे डिटेलिंग, ताकि इनका पूरा नाम है हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स का, इसका जो पूरा नाम है ये आपके आ सकता है, इसको क्या कहा गया है, हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। मैंने शॉर्ट में HC लिख दे रहा हूँ, हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है, एंड आयरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, सिंपली कॉल्ड एज हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स। दे वर द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, दे वर द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1577, 1577 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, फर्स्ट वॉल्यूम इसका आया था 1577 में, फिर रिवाइज्ड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1587। और जो ये रिवाइज्ड एडिशन था, इसमें शेक्सपियर ने कई सारे जो है अपने प्लेस के लिए इसका यूज किया।
अब ध्यान से सुनना, ठीक है? जो ये हॉलिनशेड क्रॉनिकल थे, ये ओरिजिनली किसने शुरू किए थे? ओरिजिनली स्टार्टेड बाय, नहीं ओरिजिनली मतलब शुरू नहीं किए थे, ओरिजिनली किसने इसके बारे में आइडिया सोचा था? इट वॉज ओरिजिनली एन आइडिया ऑफ, नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरिजिनली एन आइडिया ऑफ, क्योंकि क्रॉनिकल आपके लेक्चरर के सिलेबस में उत्तराखंड में मैंने बताया अभी, नेट वालों के लिए और एल टी लेक्चर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। ओरिजिनली एन आइडिया ऑफ डच बॉर्न इंग्लिश प्रिंटर, एक्चुअली आइडिया किसका था? एक डच बॉर्न इंग्लिश प्रिंटर थे जिनका नाम था रेनर वुल्फ। बट ही पास्ड अवे बिफोर इवन द प्रोजेक्ट बिगेन, बट ही पास्ड अवे इवन बिफोर द प्रोजेक्ट बिगेन, ठीक है? एंड देन ऑफ कोर्स दिस आइडिया वाज टेकन ओवर बाय हिज असिस्टेंट, रेनर वुल्फ के असिस्टेंट थे जिनका नाम था रैफल होलिनशेड, जिसके ओरिजिनल राइटर हम लोग लिख रहे हैं। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें खाली रैफल होलिनशेड नहीं थे, ये मैंने कल भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। जो फर्स्ट वॉल्यूम है होलिनशेड क्रॉनिकल का, फर्स्ट वॉल्यूम है ऑफ होलिनशेड क्रॉनिकल, इसमें कौन कौन थे? एक तो होलिनशेड थे, इसके अलावा इनके साथ जो है तीन राइटर और थे, फटाफट नोट करेंगे, होलिनशेड, फिर है हैरिसन, याद रखना है ये मैच द फॉलोइंग, या उसमें आ जाएगा कि कौन नहीं है कौन है इस तरीके से, हैरिसन, फिर स्टेनी हर्स्ट, तीसरे कौन थे? स्टेनी हर्स्ट, STANYHURST, स्टेनी हर्स्ट, और चौथे थे एडमर्ड कैंपियन, या सीधा आप लिखेंगे, चलिए इनका पूरा नाम लिख देते हैं हम, एडमर्ड कैंपियन, CAMPION। सो फर्स्ट वॉल्यूम वॉज टोटली मीन्स कंप्लीटली रिटन बाय दिस फोर राइटर्स। 87 में उसमें फिर अलग राइटर्स थे। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ 1587 में देखो, सेकेंड वॉल्यूम में होलिनशेड मेनली इसमें थे ही नहीं, ठीक है? नाम तो होलिनशेड क्रॉनिकल रखा गया, बट उसमें मेन राइटर कौन कौन थे या एडिटर कौन कौन थे? एक तो है जॉन हुकर, फिर इनको असिस्ट किसने किया? फ्रांसिस थाइन ने किया, THYNNE, थाइन ने किया। फिर कौन थे? अब्राहम फ्लेमिंग, और फिर कौन थे भाई? जॉन स्टोक, ठीक है? हुकर, थाइन सॉरी, और फ्लेमिंग और स्टोक, ये फोर राइटर्स थे जो कि 1587 एडिशन में एडिटर्स थे। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ 1577 इट इंक्लूडेड वुड ब्लॉक इम्प्रेशंस। प्रिंटिंग में एक टेक्निक होती थी वुड ब्लॉक, जो वुड होती थी ना लकड़ी, उसके ब्लॉक के जो इम्प्रेशंस थे, छाप थी, उसको भी, ये छापे थी उसको भी इंक्लूड किया गया था। इट इंक्लूडेड वुड ब्लॉक इम्प्रेशन, अ टाइप ऑफ यू कैन से प्रिंटिंग स्टाइल, एंड 1587 एडिशन ऑफ होलिनशेड इट डिड नॉट इंक्लूड। ये दोनों टेक्स्ट में, वर्जन्स में बहुत बड़ा डिफरेंस था, इट डिड नॉट इंक्लूड वुड ब्लॉक इम्प्रेशन। तो क्रॉनिकल प्लेस में इन्होंने जो 10 क्रॉनिकल प्लेस थे उसके अलावा, और जो मैंने अभी लिखा है कि रोमन प्लेस थे उसके अलावा, जो ये थ्री ग्रेट, फोर ग्रेट ट्रेजेडीज थी एच ओ किंग, उसमें से किंग लियर, मैकबेथ और हैमलेट, इनको भी अगर हम हिस्ट्रीज मान लें तो ये भी इन्होंने इसमें इंक्लूड करी जा सकती हैं क्रॉनिकल प्लेस में। अगर इसमें हिस्ट्री मान लिया जाए इनको, तो किंग लियर, मैकबेथ और हैमलेट भी आ जाएगा। तो अलग से एक नोट बना लेंगे कि अदर हिस्ट्रीज इंक्लूड दिस। तो इसमें मैंने बताया आपको कि होलिनशेड क्रॉनिकल्स
का जो है इसके लिए भी सोर्स का यूज किया गया, और कौन से एडिशन में, सेकेंड एडिशन या सेकेंड वॉल्यूम 1587 वाली वॉल्यूम में इसका यूज उन्होंने किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉनिकल पेज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, आइए जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग जो कि शेक्सपियर ने नहीं लिखे हैं। सारे बच्चे मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा। तो जैसे कि हम इसमें आएगा द क्रूसिबल, द क्रूसिबल्स, द क्रूसिबल्स किसने लिखा है, द क्रूसिबल्स लिखा है आर्थर मिलर ने। किसने लिखा है, आर्थर मिलर, डेथ ऑफ अ सेल्समैन वाले अमेरिकन प्लेराइट हैं। ठीक है, 20th सेंचुरी के अमेरिकन प्लेराइट हैं, डेथ ऑफ अ सेल्समैन वाले, जो लोग एमए कर चुके हैं उनको पता है अमेरिकन लिटरेचर में। उसके अलावा अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, कुछ अच्छे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ ढूंढ के, अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल प्ले माना जाता है। ये किसने लिखा है, रॉबर्ट बोल्ट ने, रॉबर्ट बोल्ट। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेंट जोन, हम लोग तो जानते ही हैं सेंट जोन हिस्टोरिकल प्ले है, अ क्रॉनिकल प्ले, इसका पूरा टाइटल क्या है, सेंट जोन अ क्रॉनिकल प्ले इन 6 सीन्स। ठीक है, सेंट जोन में कितने टोटल सीन्स हैं, 6 हैं, तो अ क्रॉनिकल प्ले इन 6 सीन्स। ठीक है, ये किसने लिखा है, जी बी शॉ ने लिखा है, एग्जाम में आएगा, सेंट जोन अ क्रॉनिकल प्ले इन 6 सीन्स बाय जी बी शॉ। क्रॉनिकल प्लेज है भाई, उसमें जितने भी मैंने बताया था कल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि शेक्सपियर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन, बहुत ध्यान से सुनना है इसको, और मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, इसको रिकॉर्ड करवा दे रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि शेक्सपियर के जो क्रॉनिकल प्लेज है ना, उसमें फोकस हमारा जो है हिस्ट्री के, जिसे हम कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को दिखाने में नहीं है, हिज फोकस वॉज ऑलवेज इन शोइंग द, मैंने बताया था ना, पर्सनल लाइव्स, हिज फोकस, शेक्सपियर की बात कर रहा हूँ मैं, शोइंग द पर्सनल लाइव्स, स्पेशली उनके ईविल साइड को, ईविल साइड ऑफ, ठीक है, ग्रेट किंग्स, जो ग्रेट किंग्स हैं उनकी पर्सनल लाइव्स को दिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, इंटरेस्टेड थे, एंड नॉट इन द, यू कैन से नॉट इन द हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल लाइन है। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्रॉनिकल प्लेस शेक्सपियर ने लिखे, उसमें उन्होंने जो पर्सनल लाइव्स हैं, स्पेशली जो किंग्स हैं उनकी पर्सनल लाइव्स को, ग्रेट किंग्स की पर्सनल लाइफ को दिखाया है, एंड उसमें ज्यादा फोकस उनका हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स में नहीं है, किस पर है फोकस, पर्सनल लाइफ्स पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा इसी में एक पॉइंट आता है कि कौन सा किंग है, विच किंग, कौन सा किंग है जिसमें उन्होंने उसके पॉजिटिव साइड या उसकी, उसके हीरोइक एलिमेंट्स को दिखाया है, कौन सा किंग है जिसमें उन्होंने उसके हीरोइक एलिमेंट्स को दिखाया है, तो उसका नाम है हेनरी फाइव। नोट कर लेंगे सारे बच्चे, हेनरी फाइव क्या है, he is the most royal masterful, most royal masterful and victorious of Shakespeare kings, he is the most royal masterful and victorious
ऑफ शेक्सपियर किंग्स, ये पॉजिटिव इविल साइड नहीं है, इसकी हीरोइक साइड को दिखाया हुआ है। हेनरी फाइव आई थिंक एक बार तो इस हॉल ठीक है, लास्ट पॉइंट है क्या है बेटा ये कि क्रॉनिकल प्लेज में हमने ये बता रहे हैं कि जितने भी एंग्लो नॉर्मन एज में किंग्स रहे, एंग्लो नॉर्मन एज हम लोग जानते हैं जब फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस थे, विलियम ड्यूक विलियम या विलियम ड्यूक द यू कैन से कॉन्करर ऑफ नॉर्मेंडी करके था, तो फ्रेंच किंग थे, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, दे यूज टू कीप क्रॉनिकलर्स, एक पोस्ट उन्होंने स्पेशली क्रिएट करी थी क्रॉनिकलर्स की, और वो क्या होते थे, अ स्पेशल पोस्ट होती थी, हु यूज टू यू कैन से हु यूज टू रिकॉर्ड ऑल द मेमोरेबल इवेंट्स, जितने भी मेमोरेबल इवेंट जैसे विक्ट्रीज हैं या फिर कहीं पर उनका जो है बहुत बड़ी लैंड को उन्होंने कॉन्कर किया, तो मेमोरेबल इवेंट्स को वो रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड मतलब लिखते थे, और फिर उनको एक जो है पैनेजायरिक की फॉर्म में, टेक्निकल वर्ड आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनेजायरिक प्रेज पोएम्स, याद आ रहा है, पैनेजायरिक की फॉर्म में हमें उसको अपने राजा या जो भी उनके पेट्रंस होते थे उनको सुनाते थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप इसमें याद करेंगे कि मैंने जो इवनिंग क्लास है उसमें बता रहा था कि क्या कहते थे, जो जो रूरल सिंगर पोएट्स होते थे, मिनस्ट्रल्स होते थे ना, मिनस्ट्रल्स, तो मेनली मिनस्ट्रल्स का काम यही होता था, जो घूम घूम कर अपनी बात को कहते थे, मिनस्ट्रल्स या फॉप्स, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें लिख लेंगे, तो पैनेजायरिक, और पैनेजायरिक का मतलब प्रेज पोएम्स, 100% आ सकता है ये पॉइंट, और क्रॉनिकल से रिलेटेड पॉइंट है। सबसे बड़ी बात कि मैंने एलिजी में एक पॉइंट बताया था आपको कि जब हम एलिजी लिखते हैं तो उस समय स्टार्टिंग में जब हम प्रेज करते हैं डेड पर्सन को, उसको उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नोट करेंगे, एलिजी में जब हम किसी की प्रेज करते हैं, एलिजी में, इन एलिजी व्हेन वी प्रेज अ डेड पर्सन, ठीक है, तो उसके लिए हम स्पेशली क्या वर्ड यूज करते हैं, ईयोलॉजी। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इट, क्रॉनिकल प्लेस में काफी हद तक डिटेल में हमने काफी चीजों को कवर कर लिया है, इसको नोट्स बना लें, इस पर अपने भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लें, और मैं रिकमेंड करता हूँ सारे बच्चों, तो मैंने बता दिया आपको ईयोलॉजी इज एन एलिजी व्हेन वी प्रेज द डेड पर्सन, और ओवरऑल मैं बताऊंगा कि क्रॉनिकल प्लेज में हेनरी फाइव और क्रिस्टोफर मार्लो का एडवर्ड टू, ये दोनों प्लेज की डिटेलिंग कर लेंगे सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,